दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम को रेगुलर यूज करते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों इंस्टाग्राम पर काफी इंटरेस्टिंग अपडेट आए हैं जिनका अगर आप यूज करेंगे तो दोस्तों इस टाइम जो इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हैं उसमें काफी चेंजेस कर दिए गए हैं। यानी दोस्तों कुछ अपडेट आ गए हैं और कुछ अपडेट आगे आने वाले टाइम में आने वाले हैं। तो दोस्तों सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से अपडेट है, और दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने जब इनको देखा तो मुझे तो काफी अच्छे अपडेट लगे। तो ये अपडेट दोस्तों काफी ज्यादा आपको भी पसंद आएंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए कौन कौन से अपडेट है मैं आपको आगे बता देता हूं। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर सबसे फर्स्ट अपडेट आया दोस्तों इंस्टाग्राम डीएम को लेकर। यानी कि दोस्तों जब हम किसी को मैसेज करते हैं, हमारे फ्रेंड वगैरह किसी को भी हम मैसेज करते हैं तो दोस्तों एक पॉपअप मैसेज आ जाता है, यानी नोटिफिकेशन ऊपर आ जाता है स्क्रीन पर कि हमें किसी ने मैसेज किया है। तो दोस्तों हम जब उस पर क्लिक करके उस मैसेज को पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम जब किसी से प्राइवेट चैटिंग कर रहे हैं दोस्तों, किसी को भी हमें पर्सनल मैसेज भेजना हो और हम चाहते हैं कि दोस्तों कोई और ये मैसेज ना पढ़ पाए, क्योंकि दोस्तों जब हम मैसेज को भेजेंगे तो अगर नोटिफिकेशन आ गया और मोबाइल किसी और के हाथ में है तो दोस्तों वो नोटिफिकेशन के जरिए हमारे मैसेज को देख सकता है। दोस्तों इसी चीज को ध्यान में रखकर इंस्टाग्राम ने नया अपडेट किया है जिसमें दोस्तों अगर हम मैसेज में @silent लगाकर कुछ भी मैसेज टाइप करेंगे, इसके बाद जब हम मैसेज को सेंड कर देंगे तो दोस्तों वहां पर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा जिसको भी हम मैसेज भेजेंगे उसके पास। चाहे दोस्तों मैसेज रिसीव करने वाले ने नोटिफिकेशन की सभी सेटिंग्स को ऑन कर रखा हो या कुछ भी, लेकिन दोस्तों यहां पर जब हम @silent लगाकर मैसेज को टाइप करेंगे और मैसेज को सेंड कर देंगे तो दोस्तों वहां पर उसको पॉपअप मैसेज यानी कि नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा अपडेट है। तो दोस्तों दूसरा अपडेट बहुत ही शानदार है। दोस्तों हम दो दोस्त अगर दो फ्रेंड किसी की रील को एक साथ देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दोस्तों कि मेरा फ्रेंड भी उसी रील को देखे जिसको मैं देख रहा हूं, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है। दोस्तों हम जब हमारे फ्रेंड को वीडियो कॉल करेंगे तो दोस्तों जब वीडियो कॉल कनेक्ट हो जाए उसके बाद नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें मीडिया का, मीडिया पर क्लिक करते दोस्तों वहां पर रील्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और रील्स के ऑप्शन पर क्लिक करते दोस्तों हमारी जो वीडियो कॉल वाली स्क्रीन होती है, मतलब फेस हमारे जो दोनों के दिखाई देते हैं स्क्रीन पर, दोस्तों वो नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद ऊपर बड़ी स्क्रीन पर दोस्तों वो रील्स प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। और वहां पर दोस्तों हम स्क्रॉल करके वीडियो को यानी रील्स को बदल भी सकते हैं और दोस्तों दोनों सेम टाइम पर रील्स को आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट भी काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे देखने में, आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा अपडेट इंस्टाग्राम जो लेकर आया दोस्तों वो रील्स की टाइमिंग को लेकर है। यानी कि दोस्तों जब पहले काफी टाइम पहले इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते थे तो दोस्तों वहां पर 15 सेकंड का ऑप्शन दिया जाता था, उसके बाद उसको बढ़ाकर 30 सेकंड का कर दिया और उसके बाद बढ़ाकर उसको दोस्तों 60 सेकंड का कर दिया। लेकिन दोस्तों आगे आने वाले टाइम में इंस्टाग्राम इसको 90 सेकंड का करने की सोच रहा है और दोस्तों शायद 90 सेकंड का होने भी वाला है, क्योंकि दोस्तों जब कोई इंफॉर्मेटिव हमारी वीडियो होती है, हम उसमें कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या कोई इंपॉर्टेंट वीडियो होती है जिसको दोस्तों हम 30 सेकंड 15 सेकंड या 60 सेकंड में नहीं बता पाते हैं, तो उसके लिए दोस्तों इंस्टाग्राम इस चीज को अपडेट करने की सोच रहा है कि जो अपनी इंपॉर्टेंट वीडियो को 60 सेकंड में नहीं बता पाते हैं उसको 90 सेकंड में बता पाए। तो दोस्तों 90 सेकंड की वीडियो भी आप रील्स में बना सकते हैं। तो दोस्तों ये भी काफी अच्छा इंटरेस्टिंग अपडेट है। वहां पर दोस्तों आप अपना सेलेक्ट कर पाएंगे कि आपको 60 सेकंड बनानी है, 90 सेकंड बनानी है, 30 सेकंड बनानी है। तो दोस्तों चौथा अपडेट जो इंस्टाग्राम लेकर आया दोस्तों वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे दोस्तों हम किसी को प्रोफाइल को शॉर्ट आउट करना होता है तो दोस्तों हम उसकी प्रोफाइल पर जाकर उसका स्क्रीनशॉट लेकर और हमारी स्टोरी में मेंशन कर देते थे और उसके बारे में बता देते थे कि इसको फॉलो करो अनफॉलो करो या जो भी डिटेल्स हमें उसके बारे में बतानी होती थी दोस्तों हम बता देते थे। इसी चीज को ध्यान में रखकर दोस्तों इंस्टाग्राम नया अपडेट लेकर आया है। इसमें दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि हम जैसे ही किसी की प्रोफाइल को ओपन करेंगे तो ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों वहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शेयर दिस प्रोफाइल, और शेयर दिस प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एड टू योर स्टोरी। यानी उसकी प्रोफाइल को हम स्टोरी में लगा सकते हैं बिना स्क्रीनशॉट लिए, पहले जैसे लगाते थे, मतलब उसकी यूजर आईडी या यूजर नेम कुछ वगैरह वहां पर शो हो जाएगा और हम उसके बारे में बता सकते हैं कि इसको अकाउंट को फॉलो करो या अनफॉलो करो या जो भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में देना चाहते हैं दोस्तों हम आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों पांचवा अपडेट जो इंस्टाग्राम लेकर आया दोस्तों वो भी काफी अच्छा है। दोस्तों जब हम पोस्ट करते हैं हमारे अकाउंट पर तो दोस्तों वहां पर जब हमारे कुछ भी हम हिंदी में टाइप करते हैं तो वहां पर हम कैप्शन ऐड करते हैं और वहां से ट्रांसलेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों वहां पर जब हम क्लिक करते हैं तो कोई भी अगर हिंदी में टाइप है दोस्तों उसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है इंग्लिश में, यानी किसी को हिंदी समझ में नहीं आ रही तो इंग्लिश में समझ सकता है या और कोई अदर लैंग्वेज में वहां पर देख सकता है। तो दोस्तों ये अब तक सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट पर ही अवेलेबल था, लेकिन दोस्तों अभी आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम रील्स पर। यानी इंस्टाग्राम रील्स जब कोई भी बनाएगा तो वहां पर दोस्तों अगर आप कुछ भी लिखेंगे या कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ भी अगर आप टाइप करना चाहते हैं हिंदी में तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, मतलब वहां पर आप सी ट्रांसलेशन वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जैसा पोस्ट में आ रहा है। तो दोस्तों वहां पर आप अदर लैंग्वेज में उसको रीड कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं, कोई अदर लैंग्वेज जानने वाला व्यक्ति होगा तो उसको पर क्लिक करके आसानी से अपनी लैंग्वेज में उसको समझ सकता है।
तो दोस्तों जब हम YouTube पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं उसमें जो कमेंट लोग करते हैं तो हम उस कमेंट को पिन कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आगे कमेंट करने वाले सभी लोगों को शो होता रहता है। मतलब वो कमेंट पिन करने पर ऊपर ही ऊपर वो कमेंट शो होने लग जाता है। तो ऐसा ही चेंजेस दोस्तों हम Instagram पर कर सकते हैं लेकिन कमेंट में नहीं। तो दोस्तों हम Instagram पर जो हमारी पोस्ट करते हैं तो दोस्तों वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हम कर देते हैं और जब जो भी पोस्ट हमारी ओल्ड होती जाती है दोस्तों वो नीचे चली जाती है। दोस्तों हम इसमें हमारी पोस्ट को पिन कर सकते हैं, यानी कि किसी भी पोस्ट को हम पिन कर कर ऊपर ही ऊपर शो कर सकते हैं, जिससे हमारी कोई भी पोस्ट अगर नीचे ही नीचे चली गई है मतलब ओल्ड हो गई है तो दोस्तों फिर से उसको पिन करके ऊपर ही ऊपर शो कर सकते हैं, जिससे लोग आसानी से उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा अपडेट है। और सातवां अपडेट जो इंस्टाग्राम लेकर आया दोस्तों वो ये है कि जब हम व्हाट्सअप पर स्टेटस लगाते हैं, मैं उस वीडियो स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों जो 24 घंटे बाद ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है, दोस्तों मैं उस स्टेटस की बात कर रहा हूँ जो हमारी अकाउंट प्रोफाइल में जाकर हम वहाँ जैसे वहाँ पर हम टाइप करते हैं बिजी अवेलेबल कॉल मी वगैरह, इस तरह के स्टेटस को हम व्हाट्सअप पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के स्टेटस को हम इंस्टाग्राम पर भी लगा सकते हैं, ये अपडेट लेकर आया इंस्टाग्राम। तो व्हाट्सअप की तरह दोस्तों हमारे स्टेटस को इंस्टाग्राम पर लगा सकते हैं, जिसमें हम टाइप कर कर अपने बारे में कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों व्हाट्सअप पर ये स्टेटस परमानेंटली रहता है जब तक हम इसको चेंज नहीं कर देते हैं। इंस्टाग्राम पर दोस्तों इसकी वैलिडिटी 24 घंटे तक ही रहेगी, यानी 24 घंटे बाद ये स्टेटस ऑटोमेटिक ही रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों ये 7 अपडेट इंस्टाग्राम लेकर आया दोस्तों जो काफी इंटरेस्टिंग है और जो आने वाले टाइम में आने वाले हैं। हो सकता है दोस्तों कुछ मोबाइल में ये अपडेट शो होने लग गए हो, लेकिन जिनके मोबाइल में ये अपडेट देखने को नहीं मिले हैं दोस्तों वो अपडेट आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे, इंस्टाग्राम सभी पर अपडेट करने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको इनमें से कौन से अपडेट अच्छे लगे कौन से बुरे लगे तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे तो सारे अपडेट काफी अच्छे लगे हैं। आपको कौन सा अपडेट अच्छा नहीं लगा या ज्यादा अच्छा लगा है तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।